साउथ का फेमस डिश पुलिहारा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए हम बनाते हैं अपने किचन में पुलिहारा राइस। पुलिहारा बनाने के लिए मैंने ये सामग्री ली है। एक कप मैंने चावल लिया है जो 10 मिनट के लिए भिगो के रख दी थी इसे अच्छी तरीके से। एक चौथाई कप मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली, 6-7 कड़ी पत्ता, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, एक पिंच हींग, 2 हरी मिर्च, हल्दी आधा चम्मच, चना का दाल 1 चम्मच, उड़द का दाल 1 चम्मच, क्रश किया हुआ अदरक 1 चम्मच, 1 चम्मच इमली का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच राई। सबसे पहले हम चावल बनाएंगे। तो मैं चावल सारा डाल रही हूँ इसमें। 1.5 कप पानी ली हूँ मैं, 1 सीटी लगा दूंगी मैं इसे। चावल मेरा बन गया है, ये देखिए। घर का ही मैं चावल यूज़ कर रही हूँ, बासमती चावल यूज़ नहीं कर रही हूँ। कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, अब मैं इसमें 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी। राई डालूंगी, क्रश किया हुआ अदरक थोड़ा सा इसमें भूनूंगी। कड़ी पत्ता, चिली फ्लेक्स, हींग, एक मिनट इसे फ्राई करूंगी मैं। एक मिनट हो गया है, अच्छे से इसे मैं फ्राई कर ली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालूंगी। अब इसमें मैं इमली का पेस्ट डालूंगी। अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब इसमें मैं बादाम डालूंगी और नमक डालूंगी। अच्छी तरीके से बना लेंगे। मेरा पुलिहारा राइस बनके तैयार हो गया है, ये देखिए फ्रेंड, देखने में कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं फ्रेंड, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली रेसिपी आप आसानी से देख सकते हैं। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।